तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी तीसरी बार बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री, 5 मई को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने वाली है मोदी सरकार, भाजपा कर सकती है 1-2 दिन में ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली फिर से जान से मारने की धमकी, 4 दिन में योगी की हत्या करने का किया है युवक ने दावा, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ऑक्सीजन की कमी से भाजपा के एक और बड़े नेता की हुई मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे की शुरुआत, असम के पार्टी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को भेज दिया अपना इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में रमजान के दौरान मस्जिद में घुसकर हिंदू संगठनों ने हाथापाई की, इमाम को पीटा और लाउड स्पीकर के तोड़े तार, मथुरा में बढ़ गया है तनाव, हिंदू मुस्लिम का तनाव बढ़ गया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका, पूर्वांचल में सपा तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी पड़ रही है भाजपा पर भारी, नहीं खुला है बीजेपी का यूपी में खाता। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, 5 मई को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी कांग्रेस को मिली जीत के बाद ममता बनर्जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना बंगाल में तय हो गया है। उनकी पार्टी टीएमसी ने सोमवार को ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेंगी और ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री बंगाल की फिर से बन जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी ने सोमवार को कहा कि नव निर्वाचित विधायकों ने बैठक में ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है। टीएमसी मौजूदा विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी को नई विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया है, जिसके बाद अब ममता बनर्जी जो है 5 मई को बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी और 5 मई को फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बन जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को रोकने के लिए 21 दिनों का पूरे देश में लगेगा लॉकडाउन, सेना अलर्ट पर। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए मोदी सरकार पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा सकती है। इस बार लॉकडाउन के दौरान सेना और अर्धसैनिक बलों को मोदी सरकार देश में तैनात करेगी। वहीं आपको बता दें कि देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए इस पर काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से कई अधिकारियों ने इसका जवाब भी दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही मोदी सरकार 21 दिनों का पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है, जिससे कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चेन तोड़ी जाए। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार सेना को भारत में उतारेगी और सेना मोर्चा भारत में संभालेगी, जिससे कोई व्यक्ति बाहर ना निकल सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोरोना को रोकने के लिए 21 दिनों का मोदी सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका, योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की मिली फिर से धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि बीते गुरुवार यानी 29 अप्रैल को देर शाम यूपी पुलिस के इमरजेंसी सेवा डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर किसी व्यक्ति ने मैसेज भेजते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी ने अपने धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर जान से मार देगा। इसके साथ ही आरोपी ने मैसेज में यह भी लिखा है कि अगले 4 दिनों में
जो कुछ भी उत्तर प्रदेश पुलिस को और योगी को करना है वो मेरे खिलाफ कर ले, मेरा कुछ भी ये नहीं उखाड़ सकते। जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री के धमकी भरे मैसेज के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया है। हनन फनन में धमकी देने वाले नंबर की जाँच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, नंबर को ट्रेस भी किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है और भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में हार के बाद फूटा भाजपा का गुस्सा, बोले टीएमसी से आए कचरे ने बंगाल में हमें हराया चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से बन गई है और टीएमसी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। भाई आपको बता दें कि बंगाल में अब भाजपा ने हार का ठीकरा टीएमसी से आए नेताओं पर फोड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के उपाध्यक्ष ने कहा है कि बंगाल में भाजपा चुनाव इतनी बुरी तरह से नहीं हारती, लेकिन भाजपा को चुनाव टीएमसी से आए कचरे ने बंगाल में हराया है। भाजपा उपाध्यक्ष का कहना है कि जो भी टीएमसी नेता बीजेपी में आए थे उनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं, क्योंकि टीएमसी ने इन कचरे को बाहर निकाला था और वो कचरा बीजेपी ने ले लिया था, इसलिए बीजेपी चुनाव हारी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मस्जिद में घुसकर हिंदुओं ने इमामों को पीटा, लाउड स्पीकर के तोड़े तार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान मथुरा जनपद में गोवर्धन कस्बे के बड़ा बाजार मस्जिद में हिंदुओं ने मस्जिद में घुसकर इमाम से हाथापाई की है और इमाम को बुरी तरह से पीटा है, साथ ही लाउड स्पीकर के तार तोड़कर जो है हिंदू चले गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। इस सिलसिले में मस्जिद के इमाम से मिली तहरीर के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि मौलाना ने बताया है कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे गाली दी थी और मस्जिद में घुसकर मेरी पिटाई की थी और मस्जिद की छत पर ऊपर चढ़कर लाउड स्पीकर के तार तोड़ जबरदस्ती ले गए हैं। भैया आपको बता दें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान हिंदुओं की और जो हिंदू संगठन है उनकी गुंडागर्दी सामने आ रही है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, ऑक्सीजन ना मिलने से भाजपा नेता की कोरोना से मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम मोदी सरकार से नहीं हो रही है, देश में लगातार ऑक्सीजन और जो है बेडों की कमी हो रही है, इसी को लेकर अब भाजपा को ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना वायरस से संक्रमित भाजपा नेता की आज मौत हो गई है। करीब 5 दिन पहले कोरोना होने पर भाजपा नेता राकेश शर्मा ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था, लेकिन शनिवार दोपहर तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें कोविड केयर सेंटर हमीरपुर में भर्ती कराया था। यहां ऑक्सीजन पर रखा गया था, लेकिन शाम तक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन वेंटिलेटर ऑक्सीजन युक्त न मिलने से कोरोना वायरस से संक्रमित भाजपा नेता राकेश शर्मा की मौत हो गई। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और मक्कट पंचायत से प्रधान थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब भाजपा के नेताओं को ही ना तो ऑक्सीजन और ना ही वेंटिलेटर भारत में मिल रहे हैं और उनकी भी मौत कोरोना से हो रही है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफे की शुरुआत, असम के पार्टी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। असम कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा आज अपने पद से दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार 5 प्रदेशों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, इसी कारण अब लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्वांचल में सपा तो पश्चिम यूपी में आरएलडी पड़ी भाजपा पर भारी, नहीं खुला बीजेपी का खाता। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों ने उड़ा दी है। इस चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, पूर्वांचल में सपा तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी भाजपा पर भारी पड़ी है। अभी तक के जिला पंचायत सदस्यों के 3050 पदों में से 1536 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें से बीजेपी 491 पर जीत चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी 364 पर जीती है। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है,
जिससे अब तक 130 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 52 और निर्दलियों के खातों में 499 सीटें गई हैं। ठीक इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सपा और आरएलडी का गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ पर सपा और आरएलडी का गठबंधन 150 से अधिक सीटों पर जीत चुका है, जबकि बीजेपी के खाते में 107 सीटें ही अभी तक आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है और अखिलेश यादव आरएलडी यहाँ पर बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इसी बीच बताओ दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमरीका ने अफगानिस्तान में चले युद्ध को किया खत्म, बाइडेन ने सेना को बुलाने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो अफगानिस्तान में चले सबसे लंबे युद्ध को खत्म कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान से अमेरिकी सेना की अंतिम टुकड़ी को बुलाने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जैसा कि हम अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को समाप्त करने जा रहे हैं, अमेरिकी अफगानिस्तान अपने सैनिकों की अंतिम टुकड़ी को वापस बुला रहे हैं। अब अलकायदा वहाँ लगभग समाप्त हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद अमेरिका बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है और अमेरिका ने अब जो है अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाने का वापस आदेश दिया है। इसी बीच बताओ दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब सरकार के लॉकडाउन के विरोध में उतरे प्रदेश के दुकानदार, दुकानें खोलने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया और काफी सख्ती बढ़ाई। वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद करने का ऐलान किया। भैया आपको बता दें कि अब पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के विरोध में अब पंजाब के दुकानदार ही उतर आए हैं और उन्होंने दुकान खोलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम जो है दुकानों को बंद नहीं करेंगे। अगर मोदी सरकार को कोरोना खत्म करना है या पंजाब सरकार को कोरोना खत्म करना है तो दवाइयों से खत्म करे, कैसे ही खत्म करे, लेकिन हम दुकान और अपना व्यापार खत्म नहीं करेंगे। अगर हमने दुकानों को नहीं खोला तो लॉकडाउन के दौरान हम खाएंगे क्या, जिसके बाद पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध लॉकडाउन का पंजाब में हो रहा है और जो है दुकानदारों ने दुकान खोली है। और इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो साबुद्दीन की मौत पर बोले असुद्दीन ओवैसी, कहा जेल में उन्हें कोरोना मरीजों के साथ रखा गया। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन की शनिवार को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। उनके निधन के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव व सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। भैया आपको बता दें कि AIMM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने साबुद्दीन को शेरे सिवान बताते हुए उनके इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि साबुद्दीन के शव उनके परिजनों को सौंपा जाए ताकि उन्हें बिहार के सिवान लाया जा सके और उन्हें वहीं पर सुपुर्द खाक किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि साबुद्दीन को जेल में कोरोना वायरस के मरीजों के साथ रखा गया, इसलिए उन्हें कोरोना हुआ और उसके बाद उनकी मौत हुई और उनके इलाज में बहुत बड़ी लापरवाही की गई थी और उन्हें मारने की प्लानिंग बनाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े आरोप असुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं। इसी बीच बताओ दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की हार पर बोले राकेश टिकैत, भाजपा का होगा पूरे देश में ऐसे ही सुपड़ा साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राज्यों में के विधानसभा चुनाव में हारी भाजपा को लेकर उसके विरोधी दलों की तैयारी चढ़ गई है। किसान आंदोलनकारी भी भाजपा की हार का जश्न मना रहे हैं। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। टिकैत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जब सत्ता अहंकारी, निरंकुश और पूंजीपतियों की वफादार हो जाए तो जनता के पास वोट की चोट की ताकत ही सत्ता को सबक सिखाएगी। टिकैत ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का आभार भी जताया है। साथ ही वहां के मौजूदा सत्ताधारी दल TMC व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई भी दी है। टिकैत ने लिखा है कि बंगाल के सम्मानित मतदाताओं का आभार है, ममता जी को जीत की हार्दिक बधाई। इसके अलावा उन्होंने खेला होबा हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसान भाजपा के खुलकर विरोध में उतर आए हैं।